नमस्कार दोस्तों, धर्मस्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों के प्रति अंधा प्रेम। जब कोई पिता अपने पुत्रों के प्रेम में इतना अंधा हो जाता है कि उनके द्वारा की गई हर गलती को नजरअंदाज करके केवल उनकी हर इच्छा की पूर्ति के लिए तन मन धन सब लुटा देता है, तब वह संतान बिगड़ जाती है। क्योंकि पिता का कर्तव्य था संतान को सही गलत का फर्क समझाना और कोई गलती कर देने पर ऐसा दोबारा ना करने के लिए मार्गदर्शन करना। धन दौलत और सत्ता के घमंड में अंधा हो पिता अगर पुत्र को दूसरों के प्रति करुणा, दया और प्रेम नहीं सिखाता, साथ ही साथ अपनी संतान के सामने उसके कर्मों की तारीफों के पुल बांधने में लगा रहता है, वह संतान एक ऐसी दिशा में निकल जाती है। हाँ, हो सकता है कि वह धन दौलत से तो संपन्न हो, परंतु उसमें इंसानियत, अपने भाई बंधुओं के प्रति प्रेम का सदा अभाव ही बना रहता है। धन दौलत की दौड़ अंतहीन है, परंतु जीविका के लिए भी चाहिए। इसीलिए एक अच्छे पिता का यह कर्म है कि वह बालक को इस दौड़ में दौड़ना तो सिखाए, परंतु इसकी कीमत पर वह अपने अपनों का सम्मान, प्रेम, आपसी सद्भाव न खो दे। यह भी पिता को ही समझाना होता है, क्योंकि अंत समय में कोई कुछ भी साथ नहीं ले जाता, सब यहीं का यहीं रह जाता है। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के प्रेम में इतने अंधे हो गए थे कि वही उन्हें पूरी दुनिया लगने लगे थे। इसी के चलते उन्होंने अपने भ्राता पांडु के पुत्र पांडवों को उनका जायज संपत्ति का हिस्सा देने से भी मना कर दिया। और इतना ही नहीं, उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित करने में कोई कसर न छोड़ी। लक्षा भवन में भेजकर आग लगाकर जलाने का प्रयास, अपनी ही बहू द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण, धोखे से जुए में हराकर अपने भाई के पुत्रों को जंगल में भेजना और उनके वापस आ जाने पर प्रतिज्ञा अनुसार पैतृक संपत्ति का जायज हक न देना, कौन सा ऐसा कृत्य था जो धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में अंधे होकर पांडवों के साथ नहीं किया था। जब युधिष्ठिर के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं धृतराष्ट्र के समक्ष कौरवों की सभा में उपस्थित हुए और उन्होंने वन से लौटे पांडवों का जायज हक मांगा, तब कौरवों ने उनकी इस जायज मांग का जरा भी मान न रखा। कौरवों के तो सारे पुण्य ही नष्ट हो चुके थे, तो वे भला सही रास्ता कैसे चुनते। वैसे भी अजन्मा भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार एक पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए लिया था, और वे जानते थे कि इस उद्देश्य की पूर्ति में कौरवों से बड़ा सहायक उनका कोई नहीं हो सकता। जब पृथ्वी माता बुरी तरह धन, विद्या और जाति के मद में अंधे हो रहे बुरे मार्ग पर चलने वाले राजाओं द्वारा रौंदी जा रही थी, उन्हीं दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान ने अवतार लिया था। भगवान जानते थे कि कौरवों के लिए ऐसे दुष्टों को युद्ध की परिस्थिति में अपनी सहायता के लिए इकट्ठा करना आसान था, इसीलिए श्री कृष्ण ने उन्हें यह अवसर प्रदान किया।